करीब 32 दिन बाद ठाकरे सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार दौरान राष्ट्रवादी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अजीत पवार के नाम की डिप्टी सीएम पद के लिए नाम सामने आया था। अंत में शपथ लेकर अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन।